चित्रकूट में दो सगे भाइयों का स्कूल बस से दिन दहाड़े अपहरण हुए 31 घंटे बीत चुके हैं। इसके बावजूद अब तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल बच्चों की तलाश के लिए यूपी और एमपी पुलिस जंगलों में उतर चुकी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों को पकड़वाने पर भारी रकम भी घोषित कर दी है। मेरा नाम है आत्मराम पांडे। तो जब वो निकल के गया है तो मुंह में मुंह तो नहीं बंधे थे? नहीं जब वीडियो में शो कर रहा है कि मुंह बंधे हुए थे। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं देखा हूँ। अच्छा, देख ही नहीं पाए हो? नहीं, वो खड़ा था वहीं दरे में। तो गाड़ी जो रोकी है तो तब आप देख रहे थे? नहीं, गाड़ी वहाँ थोड़ी रुकी है सर, बहुत दूर की बात है, वहाँ गाड़ी दिखाती नहीं। बाहर का बल भी बुलवाया गया है और जिले से कम 12 टीम्स जो है विभिन्न थाना प्रभारियों के नेतृत्व में अलग अलग टास्क देकर के इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी संभावित संभावनाएं हैं, जो भी संभावित इश्यूज हैं, उन सबको एक के बाद एक नलीफाई किया जा रहा है और एड्रेस किया जा रहा है, और उसमें अगर और कोई क्लू निकल रहा है तो उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है लगातार। इसमें पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश की ओर से 50,000 रुपये का कैश रिवार्ड सूचना देने वाले के लिए घोषित किया जा रहा है। सर अभी अननोन है और इसके संबंध में जो भी संभावित संदिग्ध है उनके बारे में तलाश की जा रही है। इससे अधिक हम प्रेस में, मीडिया में शेयर करने की स्थिति में नहीं। और जो भी परिजन बता रहे हैं या और हमारा मुखबिर तंत्र बता रहा है उसके हिसाब से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी से मदद? यूपी के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी यहाँ पर आ गए थे और जो विक्टिम का परिवार है उन सबसे साझा बातचीत हुई है बैठ करके, और सारे इश्यूज उनसे साझा किए जाकर उनकी पूरी मदद दी जा रही है और वो बहुत ही एक्टिवली हमको सहयोग दे रहे हैं।